आज सोच रहे हैं कि ऋषिकेश हम जाएं। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और कहाँ हैं हम, गाड़ी से हमने आज जो है ब्लॉग शुरू कराया है। हम आज फिर निकले हैं घूमने के लिए। आज देखते हैं कैसा मुहूर्त हमारा है, आज भी जाम मिलेगा नहीं मिलेगा। आज सोच रहे हैं कि ऋषिकेश हम जाएं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। पहले थोड़ा सा रास्ते में काम है, किसी की एक डिलीवरी देनी है हमें सूट की, तो वो काम भी पहले बिजनेस कर लेते हैं पूरा और उसके बाद फिर हम चलते हैं। दे आया सूट, दे आए, घर भूल गया था। अब ध्यान रखिए, फर्स्ट वाले मुझे लग तो रहा था क्योंकि बड़ा सा वो आया ना आंगन बाहर, नहीं उस पे क्वार्टर नंबर लिख रखा होगा बस। तो वो क्यों नहीं खरीदना है अपना, लीची वाले पेड़ का ही है। चलो ध्यान से है तो वो क्यों नहीं खरीदना है अपने आप। यहाँ पे आ गया है चंडी पुल, जो चंडी माता का रास्ता है। चंडी माता के दर्शन आपको हो गए होंगे, देखिए ऊपर से। तो ये चंडी माता थी यहाँ पे, और आगे हम जाएंगे चिल्ला से होते हुए जाएंगे हम ऋषिकेश। चिल्ला यहाँ पे एक जगह का नाम है, पहले हम आए हैं वहाँ पे। ये यहाँ पे है राजा जी नेशनल पार्क, और ये हरिद्वार से लेके ऋषिकेश तक जगह जगह मतलब होता है, मतलब इस तरीके से जैसे इसमें ये होती हैं क्या बोलते हैं उसको, जंगल सफारी, ये जैसे जीप होती है ना गाड़ी, इसमें वो दिखाते हैं पूरा पार्क, घुमाते हैं कहीं से कहीं तक का भी, जितना आप घूमना चाहें। तो ये बहुत कुछ होता है यहाँ पे हरिद्वार में घूमने के लिए, जो दूर दूर से लोग आते हैं तो घूमते हैं। हम तो कभी नहीं घूमे क्योंकि जानवर देखने का इतना शौक नहीं है। तो बस यहाँ पे चलते चलते अच्छा लग रहा है, मौसम भी ठीक ही है। आज अभी तक तो बादल से ही दिखाई दे रहे थे, पर थोड़ी थोड़ी सी धूप जो है शुरू हो गई है। वैसे मेरा मन ज़्यादा इस तरीके की जगह जाने का, जैसे पार्क वगैरह हो गए, इनमें इतना लगता नहीं है, आपको पता ही है मुझे पसंद आते हैं मंदिर वगैरह, मंदिर की जगह। लेकिन फिर आप लोग बोलते हो कि मंदिर ही रह गए, मैंने चलिए आज बच्चों के लिए कहीं और चलते हैं। बच्चों का ही मन था, सही बताऊं तो तीनों बच्चों के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी है। आज ये तो था नहीं कि वीकेंड है, छुट्टी है, संडे है, तो उसमें तो हो नहीं पाता। दीदी आई हुई हैं, फिर उस दिन हम अधूरे से ही आ गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था।
तो मैंने चलिए एक दिन मैंने इनको बोला कि एक दिन आप ले लो छुट्टी, कोई बात नहीं है, पूरा महीना जून का फिर ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि हम तो कहीं जा भी नहीं रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ अपने मायके और बच्चे भी नहीं जा रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, अंश के तो स्कूल शुरू हो जाएंगे और मेरा काम तो आपको पता ही है, मैं जा ही नहीं पाती हूँ। एक दिन जाऊँगी तो एक दिन में कोई फ़ायदा नहीं होता है, या फिर मैं दिन के दिन आऊँ या फिर मैं रात रुक के आऊँ, तो बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। मैं फिर कभी चली जाऊँगी मिलने के लिए, मिलना ही होता है मेरा तो। सफ़र बहुत अच्छा लग रहा था, कहीं पे गंगा जी है, मतलब अच्छा बहुत लग रहा था जाना ऐसे घूमना। पर जहाँ पे बच्चे लेके गए वो कोई ज़्यादा मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, पर ये है एक लॉन्ग ड्राइव भी हो गई, बच्चों का मन भी खुश हो गया, और बच्चों के लिए बहुत कुछ करना ही पड़ता है। तो जी यहाँ पे दीदी का भी थोड़ा सा घूमना फिरना हो गया, तो इस तरीके से करते करते थोड़ा सा जाम भी हमें मिला, थोड़ा सा क्या काफ़ी कुछ था। तो व्यू आप देख सकते हैं, पहाड़ों का व्यू है, बहुत ही सुंदर होता है, अच्छा भी लगता है। और हाँ मैं आपको बताना भूल गई, ये वीडियो आपको कुछ दिन पहले की मिल रही है, और दो तीन वीडियो रिकॉर्ड तैयार रखे हुए थे, दो तीन ब्लॉग पूरे के पूरे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी लो, फीवर वगैरह, इस तरीके से गर्मी का सीज़न है ना, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की। मेरा दूसरा जो चैनल है जिस पे मैं अपना फैब्रिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा बिज़नेस का है, तो वो भी 4-5 दिन से बिल्कुल बंद है, वहाँ पे भी मैंने कोई अपडेट नहीं किया, ना ही मैंने इस चैनल पे अपडेट किया है। तो आप लोगों के कमेंट भी आए, एक दो कमेंट भी था, बाकी तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लेते हो, पूछ लेते हो, थैंक यू सो मच कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप इतनी फिक्र करते हैं और मुझे याद करते हैं। जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ, 3 से 3.5 घंटे हो गए, 3.5 हो गए, तो 3.5 घंटे हमें घर से निकले हुए होंगे और जाम 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 में ही हम हैं, तो आज भी शायद ऐसा लग रहा कि कुछ नहीं होने वाला, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चलते हैं फिर खड़े रहना पड़ता है, इस तरीके का जाम लगा हुआ है जहाँ हमें जाना था, तो बस देखते हैं। टाइम भी काफी हो गया है, 3-3.5 घंटे गाड़ी में, और फिर इतना टाइम जाने में लगेगा, तो एंजॉय क्या करेंगे, कितना करेंगे, पर चलिए देखते हैं जो भी है। अश्विन का घूमना हो जाएगा क्योंकि फिर इसको जाना भी अपने घर। चलिए तो बुला के थोड़ा बहुत जाम स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा उस दिन हरिद्वार गए, हरिद्वार में था, आज ऋषिकेश में आ गया। अब देखिए बच्चों ने जो देखा, तो पापा चल दिए बच्चों को लेके, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी नहीं देखा, कितनी यहाँ पे चढ़ाई है, कैसी है, तो यहाँ पे हमें कुछ पैदल भी चलना पड़ा, गाड़ी नीचे ही पार्क करनी पड़ी, ऊपर नहीं जा पाई, तो इस तरीके से यहाँ का रास्ता है। चलिए चलते हैं, एंजॉय करते हैं, ज़्यादा कुछ एंजॉय करने को था नहीं, लेकिन जो भी है पहाड़ों का व्यू है, अच्छा है, सुंदर है, थोड़ा सा चेंज हुआ। और ये देखिए जहाँ पे बच्चों को आना था, इन्होंने वीडियो वगैरह देखी इस जगह की, गूगल मैप पे देखा, तो काफ़ी कुछ अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था, तो जैसे ही हकीकत में सामने आती है ना चीज़, वो नहीं होती है, वीडियो में कुछ और था और यहाँ पे कुछ और है। नाम है सीक्रेट वाटरफॉल, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ सीक्रेट है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे इतना आनंद नहीं आया मैं अपना बताऊं, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा घूमना हो गया। तो बस यहाँ पे दीदी मना कर रही थी कि नहीं मैं पानी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि दीदी उस दिन गंगा जी में भी नहीं नहाई थी, उस दिन वहाँ पे हम रात में गए थे, लेकिन मैंने दीदी को बोला आज तो नहीं मैं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं अकेले भी नहीं नहाऊँगी, तो और दीदी ना टी शर्ट में ही आई थी इसीलिए कि हम वाटरफॉल जा रहे हैं, तो फिर
चेंज वहीं पे करूंगी। तो बस यहाँ पे चल रही है सबकी मस्ती इस तरीके से। बहुत सारे लोग थे और हम ऊपर की साइड आए हैं, एक इसी तरीके का नीचे भी है लेकिन हम नीचे नहीं ऊपर ही आ गए हैं। थोड़ा सा चलना ज़रूर पड़ा है, दो तीन जगह है। और ये देखिए दीदी और मैं अभी बैठे ही हैं, अंदर जाने की अभी हिम्मत नहीं हो रही। नीचे इतने पत्थर थे, नुकीले नुकीले पत्थर कि कहीं पैरों में ना चुभ जाएँ। बहुत ही मुश्किल से हम गए अंदर और वीडियो इतना ज़्यादा बन नहीं पाया है, यहाँ का रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि एक को बाहर रहना पड़ा, फिर फ़ोन भी था, अपना सामान भी थे। और इस तरीके से जो है हम पहुँच ही गए धीरे धीरे करके, ननंद भाभी दोनों, बच्चे तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए तीनों भाई, अश्विन है, अंश और श्रेय, और मैं और दीदी। और ये अभी जो है सामान की रखवाली पर बैठे हैं बाहर, क्योंकि सबके फ़ोन हैं, कपड़े हैं, सारा ही सामान है तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। और फिर ये आ गए थे, फिर श्रेय बाहर चला गया था, हम लोग चेंज करने। हाँ चेंज वेंज का यहाँ पे अच्छा है, मतलब पूरा वॉशरूम है तो नहा भी सकते हैं अगर आपको अच्छे पानी में नहाना है, मतलब तो वो सारा कुछ दिया गया है यहाँ पे। खाने पीने का भी है, छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे। काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं। यही होता है छुट्टियों के दिनों में, थोड़ा चेंज हो जाता है, इधर उधर घूमते हैं। ये देखिए अच्छा लगा, बच्चों की इच्छा पूरी हुई और हमें भी अच्छा लगा, थोड़ा चेंज हो गया। तो अब यहाँ से तो निकल रहे हैं हम, अब खाना वाना देखते हैं, भूख लगी है, नीचे उतरते हैं। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें पैदल जाना पड़ेगा गाड़ी तक, और फिर देखते हैं खाने वाने का, उसके बाद फिर चलते हैं। ये देखो श्रेय ने ले लिया है बैग और सब रेडी हो चुके हैं। एक वो बना रखा था, पता नहीं कौन सा करना। और ये देखिए थोड़ा सा नीचे आके ये कैंपिंग एरिया है यहाँ पे, दो दिन तीन दिन जिसका जितना मन हो, जितना टाइम लेके आते हैं लोग। तो इस तरीके का भी था भी बहुत कुछ, और व्यू तो है ही इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। मौसम भी आज भगवान की दया से अच्छा ही रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, धूप भी बहुत तेज़ नहीं थी। हाँ इस टाइम आके थोड़ी सी धूप हो गई है, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पानी में जाएंगे और ऊपर से इतनी तेज़ धूप। हालाँकि वहाँ पर पहाड़ों की छाँव थी, मतलब बहुत तेज़ धूप नहीं थी, उसमें भी बहुत तो वो होता है कि नीचे पानी में और ऊपर से तेज धूप। तो आ गए हैं हम यहाँ पे, और जाम आप यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से शुरू हो गया है, लेकिन अभी यहीं पे हमें जाम मिला था। जाते टाइम हमने रास्ता चेंज कर लिया था, उस रास्ते को जो गूगल मैप ने दिखाया था उसमें जाम हमें आते हुए मिला था, लेकिन जो दूसरे रास्ते से गए इनको पता था, बस वो मैप लगा लिया और उससे आ गए, तो उसमें जाम था। लेकिन इस बार जाते हुए जाम नहीं था, पर वही होता है ना कि जितने टाइम के लिए हम आते हैं फिर उतना होता भी है। पापा घर पे थे तो मैंने टाइम से ही हम घर चलेंगे, और मन तो था कि लक्ष्मण झोला राम झोला हम चले ऋषिकेश, लेकिन पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पे हम रास्ते में देख रहे हैं राफ्टिंग, और ये वहीं से शुरू है जहाँ पे हम गए थे, ऋषिकेश से भी आगे हम लोग गए थे। और ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है राफ्टिंग का, इतनी मतलब भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ देखो राफ्टिंग के लिए सब रेडी, और ये गाड़ी के ऊपर बांधे रखते हैं ये जो नाव सी होती है ना इनकी। पर मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, किलोमीटर के हिसाब से इसका टिकट वगैरह लेते होंगे, जैसे भी होगा। ये क्या करते हैं, थोड़ी देर सही से चलते हैं और फिर ये पानी में उड़ेल देते हैं। हालाँकि सब सेफ्टी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं तो उससे मुझे बड़ा डर सा लगता है। पानी में हर किसी को, ये मुझे तो लगता नहीं कि किसी को सेफ निकाल लेते होंगे। कोई कोई जो ये नाव है इसमें जितने लोग भी हैं सारे ही बाहर होते हैं, तो इस तरह का है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को, बहुत कुछ। Thank you.
घोड़ों से नीचे उतर गए हैं और अब बैठे हैं खाना खाने के लिए। एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं। खाने में है शाही पनीर है, दाल मखनी है, सोया चाप है, तंदूरी रोटी है। तो भूख अब तो ख़त्म सी भी हो गई थी, पर वहाँ पे कुछ था ही नहीं इस तरीके का। पहले तो सुबह हल्का फुल्का हमने ले ही लिया था जाते टाइम, तो और वैसे भी घर से थोड़ा सा तो चाय नाश्ता करके ही चले थे, फिर बीच में हल्का फुल्का हो ही जाता। हेलो जी, हम आ गए थे 7 बजे घर और आवाज़ हो रही है सबकी। और फिर आने के बाद मैंने बनाई है सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी। पापा ने मूंग दाल की खिचड़ी बोला था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही है, बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन्होंने यही बोला, यही मैंने बना दिया। हम तो लेट ही खा के आए थे तो थोड़ा बहुत ही 1-2 चम्मच ही खिचड़ी खाई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसक्रीम। ये हमारी डाइनिंग टेबल है रेड कलर की भाई, इसको हम बेड पे डाल लेते हैं जिससे कि हमारी बेडशीट गंदी ना हो। देखो कितनी अच्छी डाइनिंग टेबल है हमारी। और यहाँ पे अमूल की आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम लेके आए हैं। फिर गए थे आने के बाद शाम को, दही नहीं थी, दही लेके आए हैं और 1-2 आइटम और लेके आए हैं और ये आइसक्रीम लेके आए हैं। सारी प्लेटें ले आ बेटा, इतने सारे मेरे बर्तन। प्लेट मांजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। प्लेट मांजने में ज़्यादा टाइम लगता, मांज के देखी। अच्छा ये बताओ, हाँ बाबा जी दोनों खा लेंगे? वो नहीं खाती, बुआ जी नहीं खाते हैं क्या? मुझे तो वो जा पूछ ले, पापा जी तो पूछ ले, वो नहीं खाते, मना कर रहे हैं। तो जी चलिए ये आइसक्रीम डालने हैं और दे दी गई है चम्मच वगैरह लेने के लिए। ऐसा आज का हमारा दिन रहा, जो एंजॉय किया आपके साथ शेयर किया, अच्छा लगा। आके भी कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, खाना वाना भी ज़्यादा नहीं बनाना पड़ा, तो बस अब सब करते हैं आइसक्रीम एंजॉय। और मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आज की वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।